मैं तो ये चाहता हूं कि सीमा को जेल होनी चाहिए और मैं सीमा को 5 साल की जेल कराऊंगा। ये सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं। इसको क्या पता सनातनी का, ये तो चोला उड़ रही है, ये राम नाम का चोला उड़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला उड़ रही है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर भी लिखा है कि भाई इस, ये वो लेटर देखिए, मैंने वो लेटर भी लिखा है कि मेरे मुझे क्या समझाएंगे कौन पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी के लिए, ये इंसानियत के लिए है, ये ऐसे बाप के लिए है जिसका घर बेच दिया गया। गुलाम हैदर और सीमा हैदर, ये लोग मेरे से मशहूर हो सकते हैं, मोमिन मलिक किसी से मशहूर नहीं हो सकता। मेरे तो इज्जत जो है परमात्मा के हाथ में। जब आप गरीब लोगों की, न्याय से वंचित लोगों की, सिंह जी का भी ये कहना है, उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर को कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि CRPC 83 वो कहती है कि कोई भी मतलब विदेशी नागरिक और खासतौर से पाकिस्तानी नागरिक भारत में न्याय की गुहार नहीं लगा सकता। देश मेरे से ज़्यादा डॉक्टर APK सिंह के बारे में मेरे से ज़्यादा देश का बच्चा जानता है, और वो लीगल भी गुमराह कर रहे हैं। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ना केवल भारत के लोगों के लिए उसमें अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, बल्कि विदेश से जो लोग होंगे उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है। दूसरी बात, वो कहते हैं CPC, अरे ये कंप्लेंट हमने भाई CRPC में फाइल की है, और देर इज ए प्रोविजन इन द अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, इसमें एक प्रोविजन है कंप्लेंट का। CPC तो इसमें CPC लागू ही नहीं होती, इसमें तो CRPC लागू होती है, जिसके तहत अगर कोई जिसके खिलाफ हमने की है वो खुद भी तो पाकिस्तानी है, वो खुद कौन सा भारत की नागरिक है, जो कि क्राइम करके आई है उसके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करा रखी है, वो हमारे पास है, वो इलीगल तरीके से आई है, उसके खिलाफ भी तो FIR दर्ज हुई है। देश के अंदर कितने ऐसे फॉरनर्स हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और वो ट्रायल्स को अटेंड कर रहे हैं, ट्रायल्स को में शामिल हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं और जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। सीमा हैदर को पूरे देश की जनता का भी थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि महिला होने का थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। और अगर हम देखें कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहरबान नज़र आता है। ये यूपी पुलिस, सभी अधिकारी तो एक जैसे नहीं है, अच्छे अधिकारी भी हैं, सिंसियर अधिकारी भी हैं, जो बात को समझते हैं, जो लीगल ग्राउंड को समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लाभ नहीं दिया जा सकता जो कि कानून की वायलेशन करे, जो भारतीय कानून की वायलेशन करे। ये महिला भारतीय कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अच्छी छवि है, उनको चाहिए कि अपनी छवि को धूलित ना होने दे, तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ, सचिन के खिलाफ और तेत्रपाल के खिलाफ और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फौरन FIR कर देनी चाहिए, जो माइनर्स बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करने लग रहे हैं। ये क्या है, 427 FIR उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई, 827 के करीब गिरफ्तारियां हुई, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को पकड़ा गया और हर जिन लोगों ने धर्म के परिवर्तन में कोई भी ऐसा स्टेप उठाया सबको पकड़ के जेलों में दिया गया, आज तक जेलों के अंदर है। फिर इसके मामले में 4 बच्चों का, जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी है और वो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनका धर्म क्यों चेंज किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म विधि विरुद्ध परिवर्तन एक कानून आ चुका है, ऑर्डिनेंस आ चुका है 2021 में, क्यों किया जा रहा है? ये तो सवाल उठ रहे हैं ना, दुनिया पूछ रही है, इससे दोहरा चरित्र पुलिस का सामने आ रहा है, करने में बाज नहीं आते। तो इस तरह के भी लोगों की ओपिनियंस आती है कि आखिर 3 सालों बाद गुलाम हैदर को अपने बच्चों की याद आई, उसे अब 1 साल के बाद अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए आपको अपॉइंट किया है। 3 साल के बाद नहीं, वो लगातार जो है वो वहाँ से कंटिन्यूस, वो गया ही सऊदी अरब में इसलिए था कि वो ज़्यादा पैसा कमा सके, और सीमा ने ही उसको भेजा था, जैसा कि गुलाम हैदर ने बताया, अपनी फैमिली का गुजारा अच्छी तरह कर सके, अच्छे अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके, उनको अच्छा जीवन दे सके, उनकी सुख सुविधाओं का अच्छा ध्यान रख सके। और वहाँ से कंटिन्यूस वो जो है ना, वो उसको सीमा हैदर को पैसे भेज रहा था। अब आप देखिए कि एक महिला वहाँ से पैसे भी ले रही है, और वो जो 18 लाख रुपए का 2 साल पहले गुलाम हैदर ने उसको मकान भी लेके दिया था, उस मकान को आनन फानन में वो 12 लाख रुपए का बेच के और यहाँ आई है। देखिए ना आप कितना इनजस्टिस है। और अगर कोई इंसान बाहर कमाने के लिए चला जाए, भारत का कि बहुत बड़ी जनसंख्या भारत कमाने के लिए गई हुई है, तो क्या उनके बीवी बच्चे जो भारत में रह रहे हैं, तो वो बीवी बच्चे अपने बच्चों समेत वो किसी और के साथ इलीगल रिलेशन में रहना शुरू कर दे? ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सभ्यता के खिलाफ है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ है। भारत की तमाम महिलाएं जो समझती हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, भारतीय हैं, वो अपना आपको कहती है कि जी मैं सनातनी बन गई हूँ, तो आप बताइए सनातन महिला तो सावित्री है, इसको क्या पता सनातनी का? ये तो चोला उड़ रही है,
ये राम नाम का चोला ओढ़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला ओढ़ रही है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, क्योंकि इसको पता है कि तू पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी जो है ना नारेबाजी कर चुकी, वहाँ की आवाम हो सकता है इसके खिलाफ गुस्सा निकाल दे या कुछ कर दे, तो इसको पता है वहाँ की सरकार इसको जेल में डाल दे, इसके अंदर ये भय है, ये डर है, इसलिए ये किसी कीमत पे नहीं चाहती कि ये वापस जाए। तो ये हर वो दाव अपनाएगी। अभी तो पता नहीं क्या क्या, एक साल से पहले इसने क्यों नहीं गांव रक्षा के बारे में बोला, एक साल से पहले क्यों नहीं इन्होंने मोदी जी का फोटो उठाया, योगी जी का फोटो उठाया, वो लीगल नोटिस जाने के बाद ही क्यों उठाया। मोदी जी हमारे भी तो हैं, हम भी तो उनका परिवार हैं, योगी जी हमारे भी तो हैं, हमने भी वोट दिए हैं, हमारे भी वो नेता है, इससे ज़्यादा तो हमारे नेता हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम भारतीयों का है, हम पाकिस्तानियों का देश को ही है ये, जो ऐसे पाकिस्तानी का देश जो इलीगल तरीके से भारत की सीमा में आया है बिना भारत की सरकार की इजाज़त के, पर और वो कहता है ये मेरा भी देश है, तेरा देश कहाँ से आ गया, ये तो भारतीयों का देश है। आप वीज़ा लेके आते और भारत सरकार में अपना आवेदन देते कि जी मैं यहाँ लेना रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ बसना है, मेरी ये मजबूरी है, तो बात चलती। आप इलीगल तरीके से, कल को तो पाकिस्तान के सारे मुसलमान इलीगल तरीके से, सारी मुस्लिम महिलाएं इलीगल तरीके से आएंगी, अगर भारत सरकार इसको शेल्टर देती है, अगर भारत सरकार इसको डिपोर्ट नहीं करती, इसको सज़ा नहीं देती, तो ये मिसाल बन जाएगी और कानून की नज़रों में इसका ग्राउंड बन जाएगा। तो जो और पाकिस्तान की महिलाएं हैं जो भारत में आना चाहती है, जो शादी करना चाहती है, जिनके रिलेशन्स यहाँ हैं, वो सब इलीगल तरीके से आने शुरू हो जाएंगी, वो सब कहेंगी जनाब सीमा को दे दिया तो हमें भी दो। तो ये गलत परंपरा को रोकने के लिए भारत सरकार इस पर जल्दी अंकुश लगाएगी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर भी लिखा है कि भाई इस, ये वो लेटर देखिए, मैंने वो लेटर भी लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी इस जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, उसको पूरा कीजिए, और आपके धीमी गति से चलने की वजह से ये सीमा अंदर बहुत सारे कानून का उल्लंघन कर रही है और इसको सजा दिलाने में देरी हो रही है। तो मैंने लिखा है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। पी सिंह साहब ने कहा है कि मोमिन मलिक ये सब पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कर रहा है, ये पूरे केस को इसी तरीके से उलझाया जा रहा है, इसमें कोई लीगैलिटीज नहीं बनती। देखिए आपको पता होगा कि की बेल हुई वो हेमंत नाम के एक वकील साहब ने कराई थी, जेवर के ने, हेमंत परासर, बहुत ही अच्छा और काबिल और सेंसियर वकील है, और उसने बेल कराई थी 4/7/2023 को, और आज तक भी उसका जो केस में वकालतनामा हेमंत भाई का है, एपी सिंह जी का कोई वकालतनामा आज तक उसमें कोई, जो मुझे पता है मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मैंने फाइल देखी है उसके में कोई वकालतनामा उसका मौजूद नहीं है, और वो मीडिया में बहुत ज़्यादा ये कहते रहे हैं कि जी मैं वकील हूँ। आप वकील कैसे हो जब आपका उस केस के अंदर वकालतनामा ही नहीं है। और दूसरी बात, एपी सिंह जी को लोग जानने लगे हैं निर्भया के डिफेंस के, जब डिफेंस किया है तो उसने डिफेंस करने की कोशिश की लेकिन वो डिफेंस पूरा नहीं हो पाया और उनको फांसी हुई। मैंने दो लोगों को 20 दिसंबर 2023 में दो लोगों को निर्भया जैसा केस हरियाणा का हुआ था, एक महिला को उठा करके, एक बेटी को उठा करके गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके भाई की भी बाद में जो वो गवाह था एक नंबर पर, एक या दो नंबर पर गवाह था, उसको भी मार दिया गया। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो SC समाज की बेटी थी, मैंने 5 साल केस सोनीपत की अदालत में लड़ा और 174 के करीब उसके अंदर लगभग पेशियां हुई, 5 जजेस बदले गए और 65 से 70 के बीच में गवाही हुई, उसके अंदर दो लोगों को मैंने फांसी करवाई और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने केस किया और 17 लाख रुपए उनको मैंने मुआवजा दिलवाया और 54 आज तक नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट किया, सारी दुनिया जानती है मैंने लोगों को उनको फांसी के ऑर्डर करवाए और इन्होंने बचाने की कोशिश की, तो फ़र्क है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कर रहा था, तो आप गूगल पे मौजूद हैं, आप गूगल उठा के देख ले कौन ज़्यादा मशहूर है या पहले से कौन मशहूर था। 2007 में पानीपत के अंदर एक समझौता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके ज़्यादातर केसेस जो है मैंने लड़े हैं, उन लोगों को मैंने मुआवजा दिलवाया है, और सरवजीत केस जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, सरवजीत केस को भी मैंने एंटरटेन किया, उसकी बहन को साथ ले जा करके पाकिस्तान में। उसके अलावा मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूँ जिसने पाकिस्तान में जा कर के वहाँ कराची की कोर्ट में एक रिट फाइल की थी मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार, एक रिट मैंने फाइल की थी मोमिन मलिक बनाम पंजाब सरकार पाकिस्तान, दो रिट मैंने हाई कोर्ट में फाइल की थी पाकिस्तान में,
मैंने उनके अंदर ये कोशिश की थी, जो भारतीय कैदी जो मैंने वहाँ की सरकार से परमिशन लेकर के जेलों का मुआयना किया था, तो हमारे देश के दीव के, दमन के, गुजरात के और जो समुद्र के किनारे जो इलाके हैं उनके बहुत सारे जो मछुआरे हैं जो नौका से मछली पकड़ने के लिए जाते थे और उनकी वो वहाँ की नेवी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, वो वहाँ की जेलों में सड़ रहे थे। बहुत से इलीगल ट्रेसपासर्स थे, बहुत से ऐसे थे जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हो गए, तो उन लोगों से मैंने परमिशन ले कर वहाँ की सरकार से, वहाँ के सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, और जेलों का मुआयना किया और उन लोगों को मैंने उनकी उनको उनको देखा कि कौन कौन लोग हैं, उनके लिए मैंने वहाँ वकील हायर किए और उनको भारत लाने में मैंने लड़ाई लड़ी और मेरे पास अखबार भी है, इंग्लिश अखबार भी भरे पड़े हैं। तो 2007 में मेरी इतनी शोहरत थी भारतीय, उस टाइम सोशल मीडिया तो होता नहीं था, इंग्लिश के अखबार होते थे, हिंदी के अखबार होते, वो मेरे पास 3-4 कट्टे भरे हुए हैं, आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा, 2003 से 2004 से मैं सारे दे सकता हूँ, 7-8 से दे सकता हूँ। तो ये निर्भया कांड में तो अभी आए हैं, जुमा एक दो आदमी जब से ये निर्भया कांड में आए हैं इनको जानने लगे हैं, ये मेरे मुझे क्या समझाएंगे कौन पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी के लिए ये इंसानियत के लिए है, ये ऐसे बाप के लिए है जिसका घर बेच दिया गया, जिसके बच्चों को उससे दूर कर दिया गया और जिसके साथ जुल्म कर दिया गया और बिना तलाक के लिए इलीगल रिलेशन में एक महिला रह रही है, वो रात दिन जी रहा है, रात दिन मर रहा है। और जबकि इस सीमा हैदर ने खुद अपने घर से भाग करके लव मैरिज इसके साथ करी थी, तो मैं तो ऐसे मजबूर बाप की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लोग मेरे से मशहूर हो सकते हैं, गुलाम हैदर और सीमा हैदर ये लोग मेरे से मशहूर हो सकते हैं, मोमिन मलिक किसी से मशहूर नहीं हो सकता, मेरे तो इज्जत जो है परमात्मा के हाथ में। जब आप गरीब लोगों की, न्याय से वंचित लोगों की, ऐसे दबे कुचले लोगों की जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जिनकी पुकार को कोई सुनता नहीं है, जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना पुलिस में सुनी जाती है, ना कोर्ट में उनकी कोई उनका हक रखने के लिए तैयार है, मैं ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, ऐसे लोगों की दुआएँ मेरे साथ हैं। मैं आज से फेमस कोई हूँ, मेरे ऊपर बजरंगी भाईजान फिल्म बना रखी है, आप सरबजीत केस देखेंगे, मेरा रियल सीन उसके अंदर है, ये मुझे क्या कहेंगे कि भाई इन पर बता दे कोई एक नाटक भी बनाओ। तो ये बात तो क्लियर है, आप भी मानते हैं कि वो जासूस नहीं है, वो ये फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं है कि वो जासूस है या क्या है, ये फैसला क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हूँ नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सीमा को जेल होनी चाहिए और मैं सीमा को 5 साल की जेल कराऊंगा, ये सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। सीमा जासूस है या नहीं है, मेरी नज़र में उसने एक ऐसे पति को धोखा दिया है जो उसको बहुत प्यार करता था, उसके बच्चों को प्यार करता था, उसको अच्छा जीवन देने के लिए, वो ज़्यादा कमाने के लिए वो बेचारा विदेश में गया, वहाँ से पैसे भेजता रहा, 18 लाख रुपए का मकान लेके दिया, उसके मकान को आनन फानन में 12 लाख का बेच करके, उसको बच्चे को लेकर के डिफेंस में, ताकि कोई तुझे कोई कुछ कहे ना, वो लेके आई यहाँ पर, ये बच्चे को प्यार मोहब्बत में लेके नहीं आई, ये बच्चे को अपने डिफेंस में लेके आई ताकि भारत का कानून तुझे कंसिडर कर ले, सोची समझी साजी सही है। तो मैं तो उस बाप को जानता हूं और उस बाप के साथ अगर इसने गलत किया, आपकी उस एक उसको पाकिस्तान की नज़र से नहीं, अगर वो नेपाल का होता, श्रीलंका का होता, दुनिया के किसी भी देश का होता तो मैं करता।